हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉर्थ इज ग्लैम गर्ल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जो मैं पोन्स डे क्रीम के ऊपर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पोन्स एस मिरेकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम है। फ्रेंड्स, इसमें SPF 18 PA प्लस प्लस है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये 10 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 99 रुपीज़। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पोन्स एस मिरेकल का नया पैकेजिंग है। पैकेजिंग में बहुत चेंजेस आया है। फ्रेंड्स, पहला वाला पोन्स एस मिरेकल सेल रीजन डे क्रीम था, अब पोन्स एस मिरेकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम हो गया है। और SPF में भी काफ़ी चेंजेस आया है। पहले वाला में SPF 15 PA प्लस प्लस था और अभी SPF 18 PA प्लस प्लस है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो और इस प्रोडक्ट का क्लेम यहाँ पर लिखा है, पोन्स मोस्ट एडवांस एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी, ए रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्स रिलीजेस रेटिनॉल व्हिच वर्क्स नॉन स्टॉप टू हेल्प रिड्यूस रिंकल अपीयरेंस। आपका रिंकल अपीयरेंस रिड्यूस करेगा ये क्रीम। और इसमें जो SPF 18 PA प्लस प्लस है, गिव्स डेली प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। आप इसका SPF 18 PA प्लस प्लस आपको हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी लंबा है। फ्रेंड्स, मैं सारा इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी लंबा है। फ्रेंड्स, इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, टाइटेनियम डी ऑक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, परफ्यूम है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसमें। फ्रेंड्स, ये क्रीम आप एवरी मॉर्निंग अपने क्लीन फेस पर सर्कुलर मोशन पर लगाइए। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ मॉर्निंग में भी नहीं, मैं इवनिंग में भी अपने फेस को क्लीन करके ये क्रीम डे क्रीम लगाती हूँ। मैं दिन में दो बार लगाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ये क्रीम से मुझे। फ्रेंड्स, आइए हम इसे खोल के देखते हैं। अभी इसका इनर पैकेजिंग भी देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये क्यूट सा बॉटल है, बहुत ही हैंडी है, ट्रेवल फ्रेंडली है। फ्रेंड्स, ये 3 साइज़ में आता है। एक इसका लार्ज साइज है, एक इसका मीडियम साइज़ है और इसका ये स्मॉल साइज़ है। मैंने ये स्मॉल साइज़ लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट है बॉटल। ये प्लास्टिक टब है, टब बॉटल है। फ्रेंड्स, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है, वाइट और रेड में है। फ्रेंड्स, अब मैं इसे पूरी तरह से खोल के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो इसका स्क्रू कैप है और कैप काफ़ी टाइट है। प्रोडक्ट लीकेज का कोई भी चांस नहीं है। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत ही हैंडी है। अब इजीली ट्रेवल करने के समय इसे आपने साथ ले जा सकते हो, इस पोन्स एस मिरेकल रिंकल करेक्टर को। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसका टेक्चर दिखाऊंगी। आप देख सकते हो इसका कलर टेक्चर, इसका कलर लाइट पिंक कलर है। फ्रेंड्स, स्क्रीन में ऐसा दिखाई देता है कि ये वाइट कलर का है, लेकिन ये लाइट पिंक कलर का है। आप इसका टेक्चर भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्चर का है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है। मुझे पर्सनली पोन्स का लगभग हर प्रोडक्ट का स्मेल बहुत पसंद आता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है पोन्स मॉइस्चराइजिंग लोशन के ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाके आप देख सकते हो मैंने पोन्स मॉइस्चराइजिंग लोशन के ऊपर भी रिव्यू किया है। मुझे पोन्स का लगभग हर प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मेरा पर्सनली बहुत पसंद फेवरेट प्रोडक्ट है। और उन लोग पोन्स का स्मेल भी, हर प्रोडक्ट का स्मेल भी मुझे बहुत पसंद आता है। आप देख सकते हो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही बटरी है। आपको मैं ये अपने हाथों पर लगाकर दिखाऊंगी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स,
बहुत ही स्मूथ है और इजीली ब्लेंड हो जाएगा आपके स्किन के ऊपर। मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है क्रीम, थोड़ा लेने से भी हो जाएगा। ये इजीली आपके स्किन पर ब्लेंड हो जाएगा। हाथों के ऊपर मैंने लगाया है, बहुत ही एक ग्लोई लुक दे रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। बहुत ही एक पिंकिश ग्लोई लुक दे रहा है फ्रेंड्स। पोन्स एज मिरेकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम मेरा फेवरेट डे क्रीम है और मैं इसे एवरी मॉर्निंग लगाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। ये क्रीम लगाने से मुझे एक्स्ट्रा करके कोई भी सनस्क्रीन लगाने नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी SPF 18 PA++ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी स्किन टाइप्स मेंशन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसे ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों को ही रिकमेंड करूँगी। ये ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा फ्रेंड्स ये क्रीम। ये ज़्यादा स्टिकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों के लिए ही बनाया गया है फ्रेंड्स। जहाँ तक रिंकल की बात है, ये कुछ हद तक आपके रिंकल और फाइन लाइंस को कम करता है, लेकिन ये प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करने से ये आपकी स्किन को एक पिंकिश ग्लो देता है, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है और डलनेस को कम करके ये आपकी स्किन को लाइटन भी करता है। आप इसे रेगुलर यूज़ करके देखिए। ये क्रीम रेगुलर यूज़ करने से डेफिनेटली मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। ये था मेरा रिव्यू आज इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए तो फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉर्थ ईस्ट ग्लैम गर्ल। फ्रेंड्स आज मैं निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर के ऊपर रिव्यू करूंगी। आप देख सकते हो ये इसका सिंपल सा पैकेजिंग है और ये सिंपल सा एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक टब में आता है और इसका स्क्रू ओपन कैप है और ये 25 ml का प्रोडक्ट हमें 39 रुपीज में मिल रहा है और इसका सेल्फ लाइफ है 30 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर में विटामिन ई होता है फ्रेंड्स। हमारे हाँ, आप सभी को मालूम है कि विटामिन ई हमारे स्किन और हेयर के लिए कितना हेल्पफुल होता है। विटामिन ई हमारे स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाने में बहुत ही मदद करता है और ये क्रीम ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, ये सभी को सूट करता है ये मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है। और फ्रेंड्स अभी तो विंटर भी आ रहा है, विंटर में तो ये बहुत ही परफेक्ट होगा ये मॉइस्चराइजर। और ये मॉइस्चराइजर आप लोगों को बिल्कुल भी हैवी नहीं फील कराएगा, लेकिन जिन लोगों का स्किन थोड़ा ऑयली है उन लोगों को ये मॉइस्चराइजर लगाने के समय थोड़ा थोड़ा सा स्टिकी फील होगा, लेकिन आफ्टर 2 टू 3 मिनट्स ये आपकी स्किन पर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, सेटल हो जाता है और स्टिकी फील बिल्कुल भी नहीं होता है। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैंने इसे लोकल स्टोर से खरीदा है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये 3 साइजेस में आता है, एक मीडियम साइज, एक लार्ज साइज और ये स्मॉल साइज है। मैंने स्मॉल साइज खरीदा है क्योंकि ये बहुत ही क्यूट और हैंडी है और ट्रेवल फ्रेंडली भी है। ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा अगर आप इसे ट्रेवल करने के समय कैरी करते हो तो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका अंदर ये इस तरह का एक सील होता है, इसे खोल के हमें लगाना होता है। ये इसका कलर और टेक्चर है, ये ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। इसका कंसिस्टेंसी मीडियम कंसिस्टेंसी क्या है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ है, फ्रेग्रेंस भी बहुत ही माइल्ड है। फ्रेंड्स मैं ये मॉइस्चराइजर हर रोज नहाने के बाद यूज करती हूँ। लगभग मैंने इसे 1 महीने यूज किया है। ये मॉइस्चराइजर मेरे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और सप्पल सिल्की बनाया है क्योंकि इसमें विटामिन ई है और ये मुझे बहुत ही
अच्छा रिजल्ट दिया है ये मॉइस्चराइजर ने, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो इस मॉइस्चराइजर को। और फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू आज इस निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर के ऊपर। अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉर्थ इज ग्लैम गर्ल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जो मैं पतंजलि एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम के ऊपर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट हमें 75 रुपीज़ में मिल रहा है और इसका सेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेंड्स, आप इसका इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो, इसमें एलोवेरा जेल है, सिया बटर है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, विजम ऑयल है और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट्स है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और इस क्रीम का बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेंड्स ये पैराबिन फ्री है और सिलिका फ्री है। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का क्लेम ये है कि ये हमारी स्किन को एजिंग से प्रिवेंट करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन से प्रिवेंट करता है और हमारे स्किन को विंटर ड्राइनेस और रफनेस से प्रोटेक्ट करके हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ब्यूटीफुल बनाता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और लाइटन भी करता है। यहाँ पर डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया हुआ है, अप्लाई 2 to 5 ग्राम ऑन द एफेक्टेड एरिया ट्वाइस डेली। दिन में आप 2 बार लगाइए इसे अपने अफेक्टेड एरिया पर 2 से 5 ग्राम। फ्रेंड्स, ये क्रीम बहुत ही अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट 75 रुपीज़ में मिल रहा है और ये इजीली अवेलेबल है, आपको कोई भी पतंजलि स्टोर या ब्यूटी स्टोर में इजीली मिल जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिलेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका पैकेजिंग, ये वाइट कलर का प्लास्टिक टॉप में आता है और इसका लाइट ग्रीन कलर का स्क्रू ओपन कैप है, कैप काफ़ी टाइट है। फ्रेंड्स, इसमें और एक लेयर है, प्रोडक्ट लीकेज का कोई चांस नहीं है। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इजीली कैरी कर सकते हो ट्रेवलिंग के समय। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का कलर, ये वाइट कलर का क्रीम है और ये इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है, इस क्रीम का कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है। फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रांग है, जिन लोगों को स्ट्रांग फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये क्रीम नहीं है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपको मैं इसे अपने हाथों के ऊपर लगाकर दिखाऊंगी इस क्रीम को, मैं अभी इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स अपने हाथों के ऊपर। फ्रेंड्स, इसे ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि क्रीम काफ़ी ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं अभी इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ये क्रीम आपके स्किन के ऊपर थोड़ा ग्रेसी फील कराता है, थोड़ा हेवी फील कराता है। और जहाँ तक इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का और लाइटन करने का, ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करता है और आपकी स्किन को लाइटन भी नहीं करता है, लेकिन ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और थोड़ा शाइन देता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरे दोनों हाथों को, मेरे इस हाथ में थोड़ा शाइन है कंपेयर टू दिस हैंड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, जिनका स्किन ड्राई है उनको यही प्रॉब्लम होगा ये क्रीम से, कि ये क्रीम आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करता है। और जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोगों को यही प्रॉब्लम होगा इस क्रीम से, कि ये आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा हैवी फील कराता है और आपकी स्किन को थोड़ा ग्रीसी फील कराता है।
फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू आज इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए।